मेरी आवाज जा रही है तो स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या हो रहा है? जी जी हो रही है। अब मैं जब ये करने जाता हूँ तो ये वाली जो लाइन है ये आकर के यहाँ फंस जाती है और यहाँ से नीचे मैं नहीं करता। ये जो रेड लाइन है हॉरिजॉन्टल, पहले ऐसा नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं, यहाँ से मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँ, नीचे ले जाना चाहूँ, ये नहीं जा रही है। ऊपर नीचे नहीं हो रही आपको? अगर मैं इसको ऐसे करूं फिर से जैसे, ये आपने बाइनेंस को ओपन किया है किसको किया? बाइनेंस पे है इसका? नहीं नहीं, ये एप्लीकेशन बाइनेंस का ही है ना। ऊपर करूं तो अब हो जाएगी, अभी करता हूं तो फिर ऐसे ऐसे होने लगता है, फिर ऐसे ऐसे होने लगता है, ऐसे ऐसे होने लगता है। नहीं, आप ये एप्लीकेशन बाइनेंस को ओपन किए हैं तो जो अपना ट्रेडिंग व्यू है उसको ओपन किए हैं? ये बाइनेंस पे है। ये आपका ना, मेरे हिसाब से ये एक टूल से आपका ओपन हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का मेरे से टूल ओपन किए हैं, इसलिए आपका वो जब जैसे ही आप टच कर रहे हैं ये लाइन आगे पीछे हो रही है, तो जैसे दोबारा टच करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। नहीं, ये इसके पास में आ जा रही है, जो टूल्स के पास में आ जा रही है तो यहाँ से ये ऊपर नीचे नहीं हो रही। जब टूल्स को हटा रहा हूँ तभी ये ऊपर नीचे। हाँ, तो टूल्स को हटाइए, ये रहेगा बीच में, तो क्योंकि बीच में ही है आपका ये जो टूल्स का ये पैनल ओपन हुआ, ये हट रहा है कि नहीं हट रहा? हट तो गया अभी, कंप्लीट हो चुका है आपका, ये कंप्लीट शो कर रहा है। अच्छा, इसी तरह से होगा। दोबारा टच करिए, हो गया। ये आपने मतलब से मोबाइल को रोटेट किया हुआ है आपने? जी हाँ। रोटेट मत करिए, तो रोटेट ही हो जाएगा ना जब इस पे जाएंगे। हाँ, तो इस पे जाने की जरूरत क्या है? लाइनिंग तो इसी पे खींचती है। तो आप ट्रेडिंग व्यू का सहारा लीजिए ना, पर आप यहाँ पे लाइनिंग को मार रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर जो ट्रेडिंग व्यू पे बात बनेगी वो यहाँ पे बात नहीं बन पाती है। ट्रेडिंग व्यू आपको रेक्टेंगल मार्क करना हो या हॉरिजॉन्टल मार्क करना, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है मार्किंग करने में, वो आपका स्क्रीन भी छोटा हो जाता है, जूम आउट जूम इन करने में हमें दिक्कत होती है। ट्रेडिंग व्यू पे करने पर वो फिगर क्या यहाँ आ जाएगी? इसमें जो अपना रेट रहता है ना, रेट का मेरे हिसाब से 0.4 उसका जो रेट रहता है ट्रेडिंग व्यू में, मेरे हिसाब से वो स्पोर्ट ट्रेडिंग का रेट उठाता है वो, और फ्यूचर का रेट थोड़ा 0.4 के डॉलर के लमसम में, जिससे BNB की बात करें उसके इसमें 0.4 डॉलर का इशू रहता है, यानी 3-4% का रेट का थोड़ा फर्क रहता है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं होता है। नहीं, जैसे ट्रेडिंग व्यू पे मार्किंग जो मार्किंग ट्रेडिंग व्यू पे करूँगा तो वो इस पे आ जाएगी क्या? इस पे आएगी नहीं, इस पे आएंगे नहीं। आप वहां से ये देख सकते हैं कि आपकी मार्केट कहाँ जा रही है, डिमांड को लेने जा रही है कि सप्लाई को लेने जा रही है, कहाँ पे जा रही है। अच्छा, वहां से हम जो मार्किंग करते हैं वो देखने के लिए करते हैं, मार्केट अभी एक्चुअल में कर क्या रही है, क्या करना चाह रही है और कहाँ पे खड़ी है और आगे इससे क्या प्लान। ये स्क्रीन तो मेरी शो हो रही होगी मेमो वाली, तो ये क्या ये डिमांड को लेने इसकी पोजीशन है क्या? अभी सर इसका ना पूरा मंथली से इसका ना स्टडी करना पड़ता है कि अभी ये और नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये दो बार रिटेस्ट कर चुकी है
दो बार यहाँ पे स्टे होता है क्योंकि इसका जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड ही है, जो जितना भी दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और ये नीचे जाने के लिए फोर्स लगा रही है, दबाव डाल रही है और ये नीचे ही जाएगी आगे भी। जी सर, इसीलिए मैंने लगाया है सेल पर ही। तो ठीक है, सेल पर लगाए, बस मार्केट को ध्यान देते रहिए और जो आपका टारगेट है कितने डॉलर का आपका बेनिफिट होना चाहिए वो टारगेट अचीव करके बाहर निकल जाएगा। बाकी अगर पूरा मंथली से इसको मंथली से स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी आप रन पुल बैक की क्लास में है, अभी वहाँ पे उतनी नॉलेज नहीं दी जा रही है, जब आगे आप डिमांड सप्लाई या लेवल मार्किंग में आएंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा भी मार्केट कहाँ तक जाएगी और कहाँ पे ये हमें कट ऑफ लेना है, कहाँ से हमें एग्जिट लेना है। अभी आपका जो भी टारगेट रहेगा भी एक डॉलर का, दो डॉलर का, तीन डॉलर का, उतना लेके आप बाहर जाइएगा। जी सर, ठीक है, ये विषय आज इसका नहीं था, वैसे भी यहाँ पे अब कैंडल चार्ट का और ट्रेडिंग का यहाँ पे क्लोज है, उसको शिफ्ट किया गया है ये कल और